जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने इंटर कॉलेज के गणित विज्ञान अंग्रेजी के अध्यापकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापकों के साथ बैठक की है, जिसमें जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है जो कि विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान रखेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर के बारे में छात्रों के चल रहे प्रशिक्षण पर ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन करवाया जाएगा और उनके द्वारा छात्रों को अच्छी गुणवत्ता देने की शिक्षा पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को विद्यालय में पढ़ाई करवाया जाएगा। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित इंटर कॉलेज के अध्यापक व अध्यापिका मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कितने लोगों ने नई शिक्षा नीति की किसी भी कार्यशाला में प्रतिभाग किया या उसका डॉक्यूमेंट पढ़ा? पढ़ा है, कोई कार्यशाला भी नहीं हुई है। गणित के संबंध में जो उनकी दक्षताएं हैं एनसीईआरटी के अथवा एससीईआरटी के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं आपने देखा है? गणित मंजिल क्या है नहीं पता है, क्या होना चाहिए एक कक्षा 9 के बच्चे को या 10 के बच्चे को? तय करेंगे उतना वो हासिल करना, ये हमारा लक्ष्य होगा। हमारा लक्ष्य ये तो नहीं है ना कि वहाँ टॉयलेट बनाने हैं, वो सब एक जरिया है। अंत में परिणाम क्या है? बच्चों को शिक्षित करना, लर्निंग आउटकम प्राप्त हो जाए, है ना। और मान लीजिए वो कोई हम लोग उसका टेस्ट कराएं, परीक्षा कराएं, तो वो उसमें उत्तीर्ण हो, वो रट्टा मार के नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लर्निंग बाय डूइंग, नई शिक्षा नीति वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करती है, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन से फोकस करती है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करती है, सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम के लिए फोकस करते हैं, नियमित असेसमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सारे बहुत सारे घटक है उसमें। कृपया करके उसको पढ़ लीजिए एक बार, सभी लोग आपको पढ़ना है, टीचर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा बताइए मुझे। जिलाधिकारी महोदय ने आज हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं और एडेड विद्यालय हमारे हैं उनमें एक टीम बनाई है जो गुणवत्ता पे ध्यान रखेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में और उसके बाद में उनके कंप्यूटर के बारे में और चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से जो बच्चों में अच्छी गुणवत्ता है पढ़ाई के संबंध में उसमें डिस्कस किया गया और जो मार्गदर्शन दिए हमको उसके अनुसार हम लोग सब लोग मिलकर शिक्षा विभाग की जो माध्यमिक शिक्षा विभाग हैं सब मिलकर उसका प्रयास करेंगे और जो जिलाधिकारी महोदय ने हमको निर्देश दिए हैं कि अच्छी गुणवत्ता देना बच्चों को वो दी जाएगी। सर नई शिक्षा नीति में भी चर्चा हुई? हाँ, नई शिक्षा नीति में जो भी है लर्निंग आउटकम के बारे में उसके जो भी पॉइंट हैं उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों को लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे, उससे आगे हम चलेंगे हम लोग।